नमस्कार दोस्तों, ये देखिए अडेनियम है, काफ़ी पुराना अडेनियम है। नीचे तना दिखाता हूँ मैं आपको, कितना देखिए ये मोटा तना हो गया है, काफ़ी मोटा है। और मैंने इस अडेनियम से, इसके सीड से कई पौधे तैयार किए। देखिए ये भी सीड से तैयार हुआ पौधा, ये सीड से नहीं, सॉरी ये सीड से तैयार हुआ पौधा है। उस तक दो रखे पौधे, ये मैं पौधा खरीद लाया था। अभी इसमें फ्लावरिंग होगी और ये फ्लावरिंग इसकी नहीं है। देखिए इसमें, ये देखिए इसमें फ्लावरिंग करने वाला है, ये देखिए इसमें, ये देखिए, ये देखिए, अच्छा ये इसी की फ्लावरिंग है, ये है सेम फोटो, सेम फूल है इसमें। देखिए ये एक ही है और ये थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लगता है। ये देखिए इसमें कटिंग की थी मैंने, अभी सर्दियाँ जैसी होती हैं इसमें पत्तियाँ ये छोड़ देता है और उसके बाद इसकी हल्का सा देखिए दिखाता हूँ, पानी डालता हूँ इसमें। भाई गर्मी बहुत चल रही है और फ्लावरिंग अभी टाइम चल रहा है इनका। आइए दिखाते हैं आपको वाइट अडेनियम कितना ज़्यादा खिल रहा है। देखिए इसमें कितनी कलियाँ हैं, इसमें वाइट अडेनियम बहुत खिलता है और देखिए कितना अच्छा सुंदर लग रहा है। बिल्कुल लगता है जैसे ये इस पर कोई बर्फ़ की चादर ओढ़ ली हो, वाइट वाइट पूरा। देखिए कितने फूल हैं, कम से कम 25-30 फूल के ऊपर हैं, बाकी बर्ड्स बहुत हैं इसमें। और अडेनियम जब भी लगाइए आप, पानी की मात्रा कम रखिए। और ये लगता है इसकी कलम भी लगती है, इसका सीड्स लगता है। और कलम से जो लगाएंगे वो इतना मोटा नहीं होता, सीड से मोटा होता है। और आप देख सकते हैं मैंने ज़्यादातर सीड से लगाए हैं। आइए दिखाता हूँ मैं आपको, अभी ये मेरा अडेनियम इतना ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहा है, ये इसमें सीड निकलेंगे दो सींग जैसे, अभी इसमें है नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ, वरना दो सींग ऐसे ऐसे निकलेंगे इस टाइप से, तो उसी से इसमें सीड निकलता है। और एक प्लांट में दो ही सीड निकलते हैं मुझे लगता है, क्योंकि हमेशा मैं इस प्लांट में दो ही सींग निकले हैं। मैंने कई लोगों को इसमें अडेनियम डिस्ट्रीब्यूट भी किया है। ये बेसिकली देखिए कितना अच्छी फ्लावरिंग कर है गर्मी का पौधा। कुछ लोग तो इसको सर्दियों में निकाल लेते हैं, मिट्टी से धो के इसको उल्टा टांग देते हैं और ये टंगा रहता है और फिर दोबारा लगा देते हैं उसको। ये अडेनियम की तना आप दिखाता हूँ, थोड़ा सा नीचे छुपकर दिखाता हूँ। ये देखिए जितना ये मोटा होगा तना इसका, उतनी ही कॉस्ट पड़ जाएगी। ये तकरीबन और नहीं तो 10,000 रुपये के आसपास का पौधा है, ये काफ़ी कॉस्टली हो गया है पौधा। तो इस तरह आप ये अडेनियम की एक सीरीज़ बना सकते हैं। अडेनियम का एक बहुत अच्छा कलर है, मेरे पास नहीं है इंडिया में, शायद वो नहीं, मैंने नेट पे देखा था और कहीं विदेशों में है वो, जैसे बैगन होता है बैगनी कलर का, उस टाइप का उसमें फ्लावरिंग है। बहुत खूबसूरत पौधे अडेनियम में, बहुत कलर आते हैं, येलो भी है, ब्लू भी है, ऑफ वाइट है, और ये रेड में तो बहुत वैरायटी है, डार्क रेड भी आता है, मैरून कलर, डार्क मैरून कलर आता है, बहुत कलर्स आते हैं इसमें। नमस्कार दोस्तों।